नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं फूड न्यूट्रल और हाइजीन का ही अपना हो जाता है पार्ट नंबर 11। ठीक है, इससे पहले जो देख रखे हैं हमने, कितने रखे हैं भाई, 10 पार्ट हमने देख रखे हैं। जो आज रहने वाला है वो पार्ट नंबर 11 रहने वाला है। इससे पहले की 10 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, पार्ट 10 नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है 10 पार्टों का लिंक, वहां पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी प्रकार से मैं करा रहा हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर, कौन सी है, यूनिट 3rd की हम पहुंच चुके हैं सी की ओर। उससे मैंने कितने क्वेश्चन करा रखे थे, 60 क्वेश्चन करा दिए थे, कितने 60 क्वेश्चन करा दिए थे। तो अब मैं 61 से आगे की ओर बढ़ूंगा, इसमें कितने हैं सी वाले में है 130 क्वेश्चन के करीब में। तो 60 का रखे हैं, अभी 60 ही क्वेश्चन और बाकी हैं इसमें। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत 60 क्वेश्चन अभी और थे, तो इनको हम देखने वाले हैं आज, जो रहने वाले हैं कितने से, 6th 2 मंथ से, सॉरी 2 मंथ है, 6 मंथ रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा, बस रुकेगा, ये है अपना 6 मंथ से, 6 मंथ से 2 ईयर तक। ठीक है, 6 मंथ से 2 ईयर्स तक अपने ये हो जाते हैं। ठीक है, 6 मंथ से 2 ईयर्स तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है 62, भाई इसका आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। अभी जिस किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, है ना, पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और जिस किसी को ऐप चाहिए तो ऐप भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐप ऐप अगर डाउनलोड करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा आपको यूट्यूब के अंदर, कहाँ पर, पेपर हैकर सर्च करोगे उसके अंदर जाओगे, उसके बाद कम्युनिटी के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आराम से वहां पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चनों की ओर, 62 की ओर कह रहा है, अपरिपक्व शिशु को, सॉरी 61 की ओर बढ़ेंगे, है ना, 61 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रखा है तुम्हारा, थोड़ा नीचे करते हैं, अपरिपक्व शिशु में किसकी कमी होती है, जो अपरिपक्व शिशु होते हैं उनमें किसकी कमी होती है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, किसकी कमी होती है, वसा की, खनिज की, लोहा की, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट भी इसका आंसर दीजिएगा। तो यहां पर जो रहने वाला है वो हो जाएगा, ये सभी की कमी होती है, लोहा की भी कमी होगी, खनिज की भी हो जाएगी, और वसा की भी, तभी तो कैसा है, अपरिपक्व है, छोटा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपरिपक्व शिशु को प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी चाहिए, अपरिपक्व शिशु जो होता है उसको प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी चाहिए, 16%, 30%, 20%, या फिर 40%। तो प्रोटीन की जो मात्रा है वह कितनी देनी चाहिए, वह देनी चाहिए 16%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपरिपक्व शिशु की कुछ पौष्टिक अवस्थाएं हैं, इनमें विशेष हैं कौन कौन सी हैं, जल व कैलोरी, विटामिन ए डी सी, या फिर हो जाता है लोहा, प्रोटीन व लोहा, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, पौष्टिक अवस्थाएं हैं जिसमें विशेष हैं ये सभी हो जाती हैं, जल व कैलोरी भी हो जाती है, ऊर्जा की बात होगी जल की, और विटामिन डी ए सी ए डी ए सी डी की बात हो जाती है, और प्रोटीन और लोहा की बात हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द, ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपरिपक्व शिशु को कितनी मात्रा जल की देनी चाहिए, अपरिपक्व शिशु जो होता है उसे कितनी मात्रा जल की देनी चाहिए, 100 ml, 400 ml, 200 ml, या फिर 150 ml। राइट आंसर क्या होगा, जल की कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो वह हो जाएगा 100 ml देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपरिपक्व शिशु की कितने पौंड कैलोरी लेनी चाहिए, अपरिपक्व शिशु की कितने पौंड कैलोरी लेना चाहिए, ये आपको बताना है, 60 से 70 पौंड, 50 से 70 पौंड, 55 से 60 पौंड, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, अपरिपक्व शिशु को कितनी पौंड कैलोरी लेनी चाहिए, तो वह हो जाएगा 55 से 60 कैलोरी पौंड, जो है वो कैलोरी लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें, सॉरी, कितने ग्राम प्रोटीन अपरिपक्व शिशु के लिए आवश्यक है, अपरिपक्व शिशु अगर वो है तो कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, आपको बताना है, 50 ग्राम, 27 ग्राम, 35 ग्राम, या फिर 30 ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 27 ग्राम हो जाएगा, 27 ग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है शिशु को जन्म के कितने घंटे मुंह द्वारा कुछ भी नहीं देना चाहिए, शिशु को जन्म के कितने घंटे मुंह द्वारा कुछ भी नहीं देना चाहिए, कह रहा है प्रथम 2 घंटे, प्रथम 3 घंटे,
प्रथम 12 घंटे या फिर प्रथम 6 घंटे, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है। शिशु को जन्म के कितने घंटे मुंह द्वारा कुछ भी नहीं देना चाहिए, तो 12 घंटे तक कुछ भी मुंह के अंदर नहीं देना चाहिए। कितने? 12 घंटे तक कुछ भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को 12 घंटे बाद दिया जाता है, क्या दिया जाता है? 5% ग्लूकोस, 15% ग्लूकोस, 10% ग्लूकोस या फिर 20% ग्लूकोस। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल 5% ग्लूकोज देना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। शिशु को 12 घंटे बाद क्या दिया जाता है? 5% ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को दूसरे या तीसरे सप्ताह तक विटामिन सी धीरे धीरे बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए? शिशु को दूसरे व तीसरे सप्ताह तक विटामिन सी धीरे धीरे बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? 60 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम या फिर 20 मिलीग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 50 मिलीग्राम जाएगा, 50 मिलीग्राम तक कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस माह तक शिशु को संतरे का रस नहीं देना चाहिए? किस माह तक शिशु को संतरे का रस नहीं देना चाहिए? 1 से 2 माह तक, 4 से 5 माह तक, 3 से 4 माह तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट क्या होगा? किस माह तक शिशु को संतरे का रस नहीं देना चाहिए? तो वो हो जाएगा 1 से 2 माह तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फार्मूला बोतल में भरने की कितनी विधि होती है? फार्मूला बोतल में भरने की कितनी विधि होती है? 3 विधि, 4 विधि, 2 विधि या फिर 5 विधि। फार्मूला बोतल में भरने की कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोतल में फार्मूला भरने की विधि है। बोतल में फार्मूला भरने की विधि क्या है आपको बताना है? टर्मिनल स्टीलाइजेशन या फिर स्टैंडर्ड क्लीन तकनीकी या हो जाएगा और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है? टर्मिनल स्टीलाइजेशन भी हो जाएगी और अपना स्टैंडर्ड्स क्लीन तकनीकी भी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाष्पीकृत दूध से फार्मूला बनाने में किसका दूध का इस्तेमाल होता है? बाष्पीकृत दूध से फार्मूला बनाने में किसके दूध का इस्तेमाल होता है बताना है? भैंस का दूध, गाय का दूध, माँ का दूध या इसमें से कोई नहीं। बाष्पीकृत दूध से फार्मूला बनाने में किसके दूध का इस्तेमाल होता है? तो वह होता है भाई गाय के दूध के इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाष्पीकृत फार्मूले में कितने पानी व दूध की आवश्यकता होती है? बाष्पीकृत फार्मूले में कितने पानी व दूध की आवश्यकता होती है? पानी 10 10 ऑंस हो जाएगा तो दूध 20 ऑंस, पानी 20 ऑंस होगा तो दूध 10 ऑंस, पानी 20 ऑंस होगा तो दूध 40 ऑंस, पानी 10 ऑंस होगा तो दूध 5 ऑंस। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है? बाष्पीकृत फार्मूले में कितने पानी व दूध की आवश्यकता होती है? तो वो होती है पानी अगर 10 ऑंस है, पानी अगर 10 ऑंस है तो दूध कितना होगा? दूध होगा भाई 20 ऑंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है। कह रहा है शुष्क दूध का फार्मूला बनाने में क्या क्या पदार्थ का उपयोग होता है? शुष्क दूध जो होता है उसका फार्मूला बनाओगे तो उसमें क्या क्या पदार्थ यूज होता है? सूखा दूध, चूर्ण, जलवा, शक्कर आदि। तो ये सभी हो जाएगा, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल दूध फार्मूला बनाने में आवश्यकता होती है। जल दूध जो फार्मूला बनाते हैं, सॉरी अम्ल दूध फार्मूला जो बनाते हैं उसमें आवश्यकता होती है किसकी? तनु की आवश्यकता होती है, लैक्टिक एसिड की आवश्यकता होती है, आवा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? देखो तनु की आवश्यकता होगी बिल्कुल सही है, लैक्टिक एसिड की होगी तभी बिल्कुल सही है, तभी तो दूध की मात्रा पूरी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्ल दूध फार्मूला बनाने की अन्य विधि में आवश्यकता होती है। अम्ल दूध फार्मूला बनाने की अन्य विधि में आवश्यकता होती है 40% साइट्रिक एसिड की, 60 से 80% बूंद लैक्टिक एसिड की, 1 ऑंस ताजा नींबू रस की या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ये सभी हो जाएगा। अगर यहाँ पर अम्ल दूध फार्मूला की अन्य विधि की बात करते हैं तो 40% क्या होगा? साइट्रिक एसिड लेते हैं और 60 से 80 बूंद किसकी लेंगे? लैक्टिक एसिड की लेंगे और 1 ऑंस क्या लेंगे? ताजा नींबू लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाल आहार शिशु आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? बाल आहार शिशु आहार में है ना,
बाल आहार, शिशु आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है आपको बताना है, 14.7% या 16%, 20% या फिर 18.4%। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपको आंसर देना है, बाल आहार शिशु आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो वह होती है 14.27% प्रोटीन होती है। कितनी होती है, 14.27% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा कितनी प्रतिशत बाल आहार में पाई जाती है, जो वसा है वो कितना प्रतिशत बाल आहार में पाई जाती है। तो यहां देखा है 9.25%, 10.25%, 10.50% या 20.25%, यहां पर राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, वसा कितना प्रतिशत बाल आहार में पाई जाती है, तो वह हो जाएगा अपना 10.25%। जिन लोगों का आंसर बिल्कुल बाहर आया, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 माह तक के शिशु हेतु क्या शिशु आहार के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, क्या होता है आपको बताना है, 6 माह तक के शिशु हेतु क्या शिशु आहार के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा भाई, लैक्टोज होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माह के पश्चात शिशु को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लैक्टोज, लैक्टोजन, माल्टोज, सुक्रोज। 6 माह के पश्चात शिशु को दिया जाता है लैक्टोजन, ठीक, क्या दिया जाता है, लैक्टोजन। 6 माह तक के शिशु को, 6 माह से कम है तो क्या देंगे भाई, लैक्टोज देंगे, 6 माह से ज्यादा है तो क्या देंगे, लैक्टोजन देंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 6 माह से कम है तो क्या देंगे, लैक्टोज देंगे, 6 माह के बाद हो जाएगा तो क्या देंगे, लैक्टोजन देंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 6 माह के पश्चात शिशु के लिए बाजार में क्या क्या उपलब्ध है, नेस्ट्रोजन, फेरेक्स जिसे कहते हैं अंडा, या फिर हो जाता है तुम्हारा सरेकल, सेलक, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर देना है, यहाँ पर क्या होगा भाई, 6 माह के पश्चात शिशु के लिए बाजार में क्या क्या उपलब्ध है, तो यहाँ पर हो जाता है नेस्ट्रोजन हो जाता है, और अपना फेरेक्स हो जाता है, इसे अंडा कहते हैं, और अपना हो जाता है सरेलक। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जन्म के 1 वर्ष तक के शिशु हेतु बाजार में क्या क्या उपलब्ध है, 1 वर्ष तक बच्चे के लिए क्या क्या उपलब्ध है, लैक्टोज है, अमूल स्प्रे है, या फिर आ और बा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा, यहाँ पर हो जाएगा आ और बा दोनों, क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, और अपना अमूल स्प्रे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, राप्टा केज व लैक्टोडेक्स, राप्टा केज व लैक्टोडेक्स किस उम्र के शिशु के लिए है, 6 माह, 13 माह, 12 माह या फिर 20 माह। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, जो राप्टा केज है और लैक्टोडेक्स है, ये किस उम्र के शिशु के लिए हो जाता है, 6 माह के शिशु के लिए हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 4 माह के पश्चात शिशु को क्या देते हैं, लैक्टोडेक्स देते हैं, राप्टा कोज देते हैं, नेस्ट्रम देते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, नेस्ट्रम देते हैं, क्या देते हैं भाई, नेस्ट्रम देते हैं, 4 माह के पश्चात शिशु को क्या देते हैं, नेस्ट्रम देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां रखा है एक सामान्य श्रेणी की माता कितना दूध स्थापित करती है, 15 से 200 ml, 1000 ml, 80 से 1000 ml या फिर 500 से 800 ml। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, एक सामान्य श्रेणी की माता जो होती है वो कितना दूध स्थापित करती है, तो वह हो जाएगा 500 से 800 ml करती है, कितने, 500 से 800 ml। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य माता 500 से 800 ml दूध स्थापित करती है, इससे कितनी कैलोरी मिलती है, कितनी मिलती है, 400 से 600, 500 से 800, 600 से 500 या फिर हो जाती है 1000 से 2000। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इससे पहले भी देख रखा है कितनी होती है, 400 से 600 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 500 से 800 एमएल दूध के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 माह का शिशु कितने वजन का होता है, 3 माह का जो शिशु होता है वह कितने वजन का होता है, 11 पाउंड, 16 पाउंड, 12 पाउंड, 20 पाउंड, यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो 3 माह का शिशु कितने वजन का होता है, यह अपना हो जाएगा 12 पाउंड का शिशु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 माह के शिशु के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है, 800 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी या फिर 700 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है, 3 माह के शिशु के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक होती है, तो वह होती है भाई 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दूध में विटामिन सी ना होने पर
किससे इसकी पूर्ति कर सकते हैं? टमाटर से, खट्टे फलों से, संतरे के जूस से। तो राइट हो जाएगा भी, ये सभी खट्टे फलों में सभी में होता है विटामिन सी। टमाटर में भी हो जाएगा, खट्टे फलों के जूस में हो जाएगा, संतरे में भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध के पाउडर के रूप में शिशु आहार तैयार किया जाता है, इसमें शामिल है क्या? शामिल है दूध के पाउडर के रूप में शिशु आहार तैयार किया जाता है, इसमें शामिल है क्या? है फेरेक्स है, बालामूल है, एरेक्स है, बालामूल है, या फिर नेक्सेल लैक्टोजन मिल्क सीरील है, या ये सभी हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? तो कह रहा है दूध का पाउडर के रूप में शिशु आहार तैयार करने में किया जाता है, इसमें शामिल क्या है? फेरेक्स भी हो जाएगा, बालामूल भी हो जाएगा, और आपका हो जाएगा नेक्सेल लैक्टोजन मिल्क सीरील भी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर द आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाउडर वाले शिशु आहार सबसे ज्यादा उपयोगी कब रहते हैं? समय ज्यादा ना हो, आहार जल्दी तैयार होना, मात्रा में हो, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? यही सभी हो जाएगा। क्योंकि तो क्या होगा, जल्दी तैयार होता हो, जल्दी बन जाए, कम समय में आहार जल्दी तैयार होना, है ना। समय ज्यादा ना हो मतलब उसकी डेट ना निकल जाए, और यात्रा में हो मतलब सॉरी यात्रा में हो, क्या कह रहे हैं इसके बारे में पता नहीं, मगर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे कह रहा है, पाउडर वाले शिशु आहार किस उम्र में पाए जाते हैं? यात्रा में हो, ये कैसी बात कर रहा है, पर ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है ना। समय ज्यादा ना हो ये तो बात सही है, जल्दी तैयार हो जाए ये भी बात है ना। समय ज्यादा ना हुआ हो, आहार जल्दी तैयार हो जाए, दो तो मिल रहे हैं, मगर यात्रा में हो इसको कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, नेट पर सर्च मार लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 कह रहा है, पाउडर वाले शिशु आहार किस उम्र में दिए जाते हैं? जो पाउडर वाले शिशु आहार है वो किस उम्र में दिए जाते हैं? 1-2 माह में, 3-4 माह में, 3-5 माह में, या 5-6 माह में? राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? तो पाउडर वाले शिशु आहार जो होते हैं वह दिए जाते हैं 3-5 माह में। राइट आंसर हो जाएगा 3-5 या फिर 3-4, कंफ्यूज हो रहा है इसमें। 3-5, 3-4, 3-5 नहीं होगा, 3-4 होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 3-4 माह में पाउडर वाले शिशु आहार किस उम्र दिए जाते हैं भाई? 3-4 माह में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को आहार किस रूप में देना चाहिए? शिशु जो है उसको आहार किस रूप में देना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, मसल कर देना चाहिए, या फिर कुचल कर, छान कर देना चाहिए, तरल पदार्थ के रूप में देना चाहिए, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? इन सभी के रूप में आप दे सकते हैं। शिशु को आहार किस रूप में चाहिए? मसल कर भी दे सकते हैं, कुचल कर, छान कर दे सकते हैं, तरल पदार्थ बना कर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर शिशुओं हेतु भोज्य पदार्थ के निर्माण की आधुनिक विधियां कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती हैं, ये आपको बताना है या आधारित है। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन प्लस मूंगफली के अलग किया गया प्रोटीन, मूंगफली से अलग किया गया प्रोटीन प्लस दूध का पाउडर, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। शिशुओं हेतु भोज्य पदार्थ का निर्माण की आधुनिक विधियां कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती हैं? तो भाई इन सभी पर, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती हैं। सोयाबीन भी हो जाएगा, सोयाबीन प्लस मूंगफली से अलग किया गया प्रोटीन भी हो जाएगा, मूंगफली से अलग किया गया प्रोटीन प्लस दूध पाउडर भी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिशु अवस्था में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं? शिशु अवस्था में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं? दूध मुंह से बाहर निकालना, अतिसार व निर्जलीकरण, रोना व कब्ज, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? शिशु अवस्था में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं? तो जिन लोगों का भी आंसर आ चुका है यहाँ पर, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो, दूध मुंह से बाहर निकलना आपने देखा होगा, रोना व कब्जो होती कब ज्यादा होती है ना। और बात करते हैं, अतिसार व निर्जलीकरण देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, मतलब उसका पेट जल्दी खराब हो जाता है, पेट वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है, गाय के 1 लीटर दूध में कितनी कैलोरी पाई जाती है? गाय का जो 1 लीटर दूध होता है उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है? 1200 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी, या फिर होते हैं 400 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? गाय के 1 लीटर दूध में कितनी कैलोरी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है 600 किलो कैलोरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैशवावस्था में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? शैशवावस्था जो है उसमें क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? अपूर्ण आहार, पोषण आहार, या फिर भोजन। राइट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा।
ऐसा अवस्था में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भाई उसके लिए? पोषक पदार्थ मतलब पोषण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिशु अवस्था जीवन की कैसी अवस्था है? महत्वपूर्ण है, निम्न है, श्रेष्ठ है, इनमें से कोई नहीं। तो शिशु अवस्था जो है वो जीवन की कैसी अवस्था है? एक महत्वपूर्ण अवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, इंपोर्टेंट भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फास्फोरस व कैल्शियम के पोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? फास्फोरस व कैल्शियम के लिए पोषण के लिए किसके उसके पोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन रिपीट कर रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो फास्फोरस व कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? वह हो जाएगा भाई विटामिन डी। आप कहते हो ना कि विटामिन डी से क्या होता है, हमें क्या मिलती है भाई, विटामिन डी मिलती है और हमारी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो फास्फोरस व कैल्शियम के शोषण जो होता है वो किससे होता है, विटामिन डी के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 से 12 माह के शिशु को कितना जिंक देना चाहिए? 6 से 12 माह के शिशु को कितना जिंक देना चाहिए ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, 1 मिलीग्राम, 2.10 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम या फिर 5 मिलीग्राम? राइट आंसर क्या होगा, 2.5 मिलीग्राम देना चाहिए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 से 12 माह के शिशु को कितना नियासिन देना चाहिए, कितना नियासिन देना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। 6 से 12 माह के शिशु को कितना नियासिन देना चाहिए? तो वह अपना हो जाएगा भाई 5 मिलीग्राम देना चाहिए। क्या देना चाहिए, 5 मिलीग्राम नियासिन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 से 12 माह के शिशु को कितना फॉलेट उपलब्ध करवाना चाहिए? 6 से 12 माह के शिशु को कितना फॉलेट उपलब्ध कराना चाहिए आपको बताना है, 95, 90, 80 या फिर हो जाता है तुम्हारा 85। राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जो फोलेट उपलब्ध कराना चाहिए वो कराना चाहिए 85। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 वर्ष के बच्चे को कितना विटामिन सी देना चाहिए? 2 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसे कितना विटामिन सी दोगे आपको बताना है, 30, 10, 20 या फिर 25 मिलीग्राम। राइट आंसर बताना है कौन सा राइट होगा, 2 वर्ष के बच्चे को कितना विटामिन सी देना चाहिए? तो वह हो जाएगा भाई 30 मिलीग्राम विटामिन सी देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है, 2 वर्ष के बच्चे को कितना विटामिन डी देना चाहिए? 800, 700 या फिर हो जाएगा तुम्हारा 900 या फिर 600। राइट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा, 2 वर्ष के बच्चे को कितना विटामिन डी देना चाहिए? वह देना चाहिए भाई 600। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2-3 वर्ष के बच्चे को, 2-3 वर्ष के बच्चे को राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 2-3 वर्ष के बच्चे को राइबोफ्लेविन जो है उसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए, 1.1, 1.3, 1.5, 1.4। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट भी इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 2-3 वर्ष के बच्चे को राइबोफ्लेविन देना चाहिए वो कितना देना चाहिए, 1.1 मिलीग्राम देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 2 वर्ष के बच्चे को विटामिन B6 की कितनी मात्रा आवश्यक है? विटामिन B6 कितना देना चाहिए आपको बताना है, पहले दे रखा है 0.7, 0.9, 0.6, 0.8, कितना होगा आंसर दीजिएगा। तो B6 कितना देना चाहिए भाई, वो देना चाहिए 0.9 मिलीग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आयोडीन 2 वर्ष के बच्चे को देना चाहिए, कितना देना चाहिए आयोडीन 2 वर्ष के बच्चे को देना चाहिए, 70, 80, 60 या फिर 90। क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, तो फटाफट करना पड़ेंगे। आयोडीन 2 वर्ष के बच्चे को देना चाहिए, कितना देना चाहिए? तो वह देना चाहिए भाई 90 देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, फिर कह रहा है यहाँ पर कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे का बॉडी वेट कितना है, कितना होता है आपको बताना है, 12 से 9 kg या फिर 12.9 kg, 14.8 kg या फिर 13 kg या फिर हो जाएगा 15 kg, कितना होता है 2 से 3 वर्ष के बच्चे का बॉडी वेट? तो कितना हो जाएगा, 12.9 kg हो जाएगा। ठीक है, 12.9 kg मतलब 12 किलो 900 ग्राम
अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 से 12 माह के शिशु का बॉडी वेट कितना होता है? 1 से 3 वर्ष का देखा, अब कह रहा है 6 से 12 माह के शिशु का बॉडी वेट कितना होता है, तो भाई इसका आंसर जी का कौन सा राइट होगा? 8.10 kg, 8.15 kg, या फिर 8.5 kg, या फिर हो जाएगा 8.8 kg। सीधा ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिएगा भाई इसका, तो कितना होगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा 8.5 kg, 8.5 किलो होता है। ठीक है, 6 से 12 माह के शिशु का बॉडी वेट जो होता है 8.5 kg होता है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितनी प्रोटीन देने की आवश्यकता है? 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितनी प्रोटीन देने की आवश्यकता है? 12.5 ग्राम, या फिर हो जाता है 14.5 ग्राम, 13.5 ग्राम, या फिर 15.5 ग्राम। राइट आंसर भाई यहां पर क्या रहने वाला है? तो कितना हो जाएगा? 12.5 ग्राम प्रोटीन देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 से 12 माह के बच्चे को कितना मैग्नीशियम चाहिए? 6 से 12 वर्ष के बच्चे को, 6 से 12 माह के बच्चे को कितना मैग्नीशियम चाहिए आपको बताना है? 85 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम, या फिर 80 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या होगा इसका आपको आंसर देना है। तो कितना हो जाएगा अभी मैग्नीशियम? 75 मिलीग्राम देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहां दे रखा है थायमीन की कितनी आवश्यकता होगी 1 6 माह के शिशु को? थायमीन जो है उसकी कितनी आवश्यकता होगी 1 से 6 माह के शिशु को? कितनी होगी? 0.7 मिलीग्राम, 0.4 मिलीग्राम, 0.9 मिलीग्राम, या फिर 0.5 मिलीग्राम। तो राइट आंसर भाई यहां पर क्या होगा इसका आपको आंसर देना है। तो थायमिन की जो आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? 0.4 मिलीग्राम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ कह रहा है विटामिन B12 की आवश्यकता कितनी है 2 वर्ष के बच्चे को? कितनी है? 1.3, 1.4, 1.2, 1.5। राइट आंसर भाई यहां पर क्या रहने वाला है? विटामिन B12 की आवश्यकता कितनी है 2 वर्ष के बच्चे के लिए? तो वह कितनी हो जाएगी भाई? 1.2 हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कितनी आवश्यकता होती है 1 वर्ष के बच्चे के लिए? लोहा की जो है वो 1 वर्ष के बच्चे के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 8 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 9 मिलीग्राम, या फिर 15 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या होगा? आंसर देना है आपके लिए यहाँ पर, कौन सा राइट रहेगा? आयरन की कितनी आवश्यकता होती है 1 वर्ष के बच्चे के लिए? तो वह होती है भाई 8 मिलीग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट को देखते हैं, कह रहा है भोजन संबंधी आदतों में शामिल है, भोजन संबंधी आदतों में क्या शामिल है आपको बताना है? भोज्य वस्तु का चुनाव, या फिर भोजन खाने या पीने का स्वरूप, भोजन का समय, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? भोजन संबंधी आदतों में शामिल है क्या हो जाएगा? भोजन वस्तु का चुनाव कैसा करना चाहिए, भोजन खाने पीने का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भोजन का समय कैसा होना चाहिए, सब निश्चित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लड़कों में कितनी लंबाई प्रतिवर्ष बढ़ती है? जो लड़के होते हैं उनमें कितनी लंबाई प्रतिवर्ष बढ़ती है ये आपको बताना है। 4 से 8 सेंटीमीटर, 9 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 9 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है? लड़कों में कितनी लंबाई प्रतिवर्ष बढ़ती है? तो वह बढ़ती है 4 से 8 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लड़कियों की लंबाई प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है? जो लड़कियों की लंबाई है वह कितनी बढ़ती है आपको बताना है? 6 से 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। तो राइट क्या होगा भाई? 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। कह रहा है 2 वर्ष के बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं? भरवा पराठा व मक्खन, फ्रूट क्रीम व दूध, फल व हरी सब्जियां, ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, 2 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से कितने बच्चे प्रति वर्ष अंधेपन का शिकार होते हैं? विटामिन ए की कमी से कितने बच्चे प्रति वर्ष अंधे का शिकार होते हैं? 12,000 से 14,000, 13,000 से 14,000, 1,000 से 2,000, 15,000 से 20,000। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर आपको आंसर देना है? विटामिन ए की कमी से कितने बच्चे प्रति वर्ष अंधेपन का शिकार होते हैं? तो वह होते हैं 12,000 से 14,000। कितने?
12,000 से 14,000 तक बच्चे विटामिन ए का शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे के भोजन के लिए स्कूल में प्रोग्राम आवश्यक आरंभ किया, बच्चे के भोजन के लिए स्कूल में जो प्रोग्राम प्रारंभ किया था वो बताना है, केंद्रीय भोजन था, स्कूल माध्यम भोजन प्रोग्राम था, शिशु आहार था, या फिर ये सभी थे। तो राइट आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा स्कूल माध्या भोजन प्रोग्राम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, वह प्रोग्राम कौन सा था, स्कूल माध्या भोजन प्रोग्राम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालाहार किसे कहते हैं, जो बालाहार है वह किसे कहते हैं। 12 औंस भोजन, 4 औंस प्रोटीन भोजन, है ना, 4 औंस प्रोटीन भोजन, या फिर कार्बोज भोजन, या फिर 3 औंस प्रोटीन युक्त भोजन। राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर देना है, बालाहार किसे कहते हैं, जो बालाहार होता है वो कहते हैं 3 औंस प्रोटीन युक्त भोजन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद यूनिट 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कभी कभी बच्चे मिट्टी बा चौक खाने लगते हैं, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोगी, टिका, गरीबी, इसमें से कोई नहीं। तो वह राइट आंसर हमारा क्या होगा, बच्चे कभी कभी मिट्टी जो है वो मिट्टी का चाक खाने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 63 63 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, 63 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। पार्ट नंबर किसमें, पार्ट नंबर ये हमारा हो जाता है 10 होगा, 11 होगा, 11 होगा ना, 11वां पार्ट होगा ये। तो इससे पहले 10 पार्ट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक, और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर उसका लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड करो। और जिन लोगों को ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, पेपर है कर चैनल सर्च करेंगे, वहां पर कम्युनिटी में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी पोस्ट के ऊपर, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूनिट 4 का आपको इंतजार करना है। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।